ऐसे एक और सुना कि देखो इनके सब ग्रंथों में हमारे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, और बिल्कुल दिखा दिया संस्कृत श्लोक मोहम्मद। जब मेरे पास आया तो मैंने देखा, अरे राम राम, इतना और है क्या हो? वो है काम क्रोध मोह मद अहंकार। ये है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये है लिखा हुआ। तो क्या किया? काम क्रोध लोभ मोह मद मोहम्मद मत्सर, और क्लोजअप कर दिया, देखो मोहम्मद लिखा हुआ है इनके ग्रंथों में भी। और हमारे बुद्ध लोग संस्कृत तो जानते नहीं, बल्कि मैं तो डिमांड करूंगा कि हमारे सारे ग्रंथ, हमारा सारा सनातन धर्म मांग में जो है संस्कृत मूल ग्रंथ, मूल संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत हर विद्यार्थी को स्कूल में कंपलसरी हो, क्योंकि इस देश का जो धर्म है सनातन धर्म, और इस सारी सृष्टि का माने दुनिया का सर्वप्रथम ग्रंथ, जब कोई धर्म संप्रदाय इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे उस समय का वेद है संस्कृत में। तो संस्कृत को तो हर विद्यालय में कंपलसरी होनी चाहिए। हम तो डिमांड करते हैं सब बात की आवाज उठाई जाए हमारी सारी दिनचर्या। कौन है ऐसा हिंदू जो पूजा पाठ नहीं करता? जो धार्मिक हिंदू है पूजा पाठ नहीं करते, और हमारे जितने पाठ हैं ज़्यादातर संस्कृत में हैं, श्लोक संस्कृत में, दीक्षा संस्कृत में, मंत्र संस्कृत में। तो संस्कृत तो हमारी दिनचर्या में इतनी है, इसलिए संस्कृत का तो ज्ञान सबको होना चाहिए। हर स्कूल में संस्कृत भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। तो लोग ऐसे ऐसे कुअर्थ कर देते हैं, तुम लोग विश्वास करते हैं, और ऐसा हमारे शास्त्रों के बारे में कोई भी गलत बात हो उसको आगे फॉरवर्ड मत किया करो, वहीं पर खत्म करो उसको। ये सब बेकार की बातें हैं।